नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया। आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। 17 यात्रियों से भरी नाव गंगा नदी में डूबी। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से 16 लोगों की बचाई गई जान। एक लोग अब भी लापता। SDRF खोजबीन में जुटी हुई है। मामला खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के सौर उत्तरी पंचायत के दुधेला गाँव की है। घटना उस वक्त घट गयी जिस वक्त दुधेला दियारा से दुधेला गांव की ओर नाव आ रही थी। गंगा नदी की तेज धारा होने की वजह से गंगा में समा गई। पास के ही ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूरों को जैसे ही इसकी सूचना मिली, इसके साथ ही साथ सौर उत्तरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि उमेश सिंह को मिली, तो दर्जनों ग्रामीणों के द्वारा दूसरे नाव को लेकर इन लोगों के खोजबीन में जुट गए। करीब 1 किलोमीटर तक गंगा नदी की तेज धारा में 16 लोग बहते रहे और इन लोगों के लिए मात्र एक सहारा लकड़ी का गट्ठर। लकड़ी का वो गट्ठर जो दियारा इलाके से अपने गांव जलावन लेकर आ रही थी। यही जलावन इन लोगों के लिए आज वरदान साबित हो गई, क्योंकि इन्हीं गट्ठरों के सहारे करीब 1 किलोमीटर तक तैरते रही ये महिलाएं। इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से लोग सदमे में हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए यह एक दूसरा जन्म कह लीजिए या फिर जीवन दान कह लीजिए। और स्थानीय ग्रामीणों को तो जिला प्रशासनिक स्तर पर सम्मानित करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि समाज के ये लोग रियल हीरो हैं, जिन लोगों ने 16 लोगों की आज जिंदगी बचाई है, 16 घरों के चिराग को बुझने से बचाया है। वही इस घटना की जानकारी जैसे ही खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष एवं खगड़िया के पुलिस कप्तान अमितेश कुमार को मिली, तो आज जिस तरह से तीसरे चरण के मतदान हो रहे थे और कटघरा दियारा में दोनों पदाधिकारी मौजूद थे, निरीक्षण कर रहे थे, सूचना मिलते ही आनन फानन में दुधेला पहुंच कर पीड़ित परिवारों का दर्द बांटा। इसके साथ ही साथ जो स्थानीय लोग सदमे में थे उन्हें संतावना भी दी। और इसके साथ ही साथ इस घटना पर जो लोग कि आज डूबने से बच गए, जिन्हें आज नई जिंदगी मिली है, जरा आप सुन लीजिए कि आखिरकार घटना कैसे घटी। क्या हुआ? गिरना दाबी ले बस दरिया ले ला सब आदमी बोझा पकड़ी पकड़ी के। आप उसी नाव पे थे? हाँ। ग्रामीण के द्वारा निकाला गया है? हाँ। क्या नाम है आपका? हाँ, आप भी वही पे थे? आप भी उसी नाव पे थे? तब ग्रामीण आदमी ने वहाँ जाए तरह से क्या चीज है? दुधेला दिया ना। दुधेला दिया। क्या चीज है? नाव से। नाव से। कितना आदमी थे? 17 आदमी। क्या हुआ? ये वो खत्ता ये वो डूब गया थी, सल्ला को ऊपर हो गया थी। सल्ला को ऊपर हो गया, वो डूब गया। डूबने वाला का क्या नाम है? पार्वती देवी। उनका उम्र कितना होगा? 50। उनका घर कहाँ पड़ता है? परिवार लगते हैं वो? हाँ, सब साथ थे। परिवार लग, परिवार परिवार। 16 आदमी मतलब निकल गए और एक आदमी डूब गए, वही पार्वती देवी अभी नहीं मिली, यही ना? वही इस नौका दुर्घटना पर जब खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष से पत्रकारों ने बातचीत की है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इस घटना को लेकर, जरा आप सुन लीजिए। ये घटना सर कैसे हुई थी? लगभग कितने आदमी थे नाव पे? ये परबत्ता प्रखंड के दुधेला गांव है, यहीं पर जो दियारा क्षेत्र है, यहां पर जो जैसा कि बताया जा रहा है, साथ में जो प्रत्यक्ष दर्शी उस नाव में थे उपस्थित, उनका कहना था लगभग 17 लोग उस नाव में थे, उसमें 16 महिलाएं और बच्चे थे और एक पुरुष सदस्य थे। ये लोग दियारा क्षेत्र में जलावन की लकड़ी वगैरह और कुछ खेती वगैरह के कार्य से लगभग दैनिक रूप से आते जाते थे। इसमें मध्यम साइज की एक नाव थी जिसमें 17 लोग सवार थे। बीच मझधार में यहाँ पर जब नदी की मेन धारा जो गंगा की है, इसमें अभी जल स्तर काफ़ी बढ़ा भी हुआ है, यहाँ पर नाव डूबने की सूचना मिली और उसमें 16 लोगों को बचा लिया गया। जो स्थानीय
मुखिया हैं और स्थानीय लोगों ने अपने प्रयास से, क्योंकि यहाँ पर चुनाव में सभी लोग व्यस्त थे, हम लोग जब तक सूचना हम लोग को मिली जब तक यहाँ पहुँचे, और SDRF की टीम अभी वर्तमान में यहाँ पर स्थानीय लोगों के प्रयास से 16 लोगों को बचा लिया गया। एक महिला जो जिनकी उम्र लगभग 40 से 45 के बीच की बताई जा रही है, वो अभी फ़िलहाल ट्रेस नहीं हो पाई है, और क्योंकि करंट ज़्यादा है तो हम लोग मान रहे हैं कि शायद उनके डूबने से मृत्यु हो सकती है कि हो गई हो, लेकिन हम लोग बेस्ट जो भी होप्स है अभी अलाइव है। अभी SDRF की टीम यहाँ पर, दो दल यहाँ पर आया हुआ है और वो लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर बॉडी मिल जाए तो जो भी राज्य सरकार द्वारा इसमें मुआवजा अनुग्रह अनुदान की दी जाती है निश्चित रूप से आज ही उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रयास जारी है और सब लोग यहाँ पर हैं, सबके समेकित प्रयास से मुझे लगता है आज शाम मिल जाना चाहिए, और अगर आज किसी परिस्थिति में शाम हो जाती, अंधेरा हो जाता, तो कल पुनः हम लोग जो है हमारी टीम यहाँ पर सारे लोगों को जो महिला मिसिंग है उनको ढूंढने का प्रयास करें।